कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठा है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण करिए। अगर 7 बेलपत्र आप शंकर को समर्पित करते हो तो 1 बेलपत्र नंदी भगवान पर भी अवश्य समर्पित करो। नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पण, 1 बेलपत्र नंदीकेश्वर की ओर चढ़े। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर 1 बेलपत्र चढ़ाइए। फिर 1 बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए। और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर भगवान नंदीकेश्वर का स्मरण कर लेने पर जीव आनंद सुख की अनुभूति करता है, आनंद सुख को पाता है। जी हाँ भक्तों, अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करानी है तो नंदी ही हैं जो भगवान शिव तक आपकी मनोकामना को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के मंदिर में उनकी पूजा करने जा रहे हैं तो नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर जरूर अपनी मनोकामना बोलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।